ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। बाबा के पास सर्वश्रेष्ठ शक्ति थी कि ये विश्व के जितने भी व्यवहार थे होते हैं या सृष्टि जो व्यवहार चलते हैं उसका उसकी जानकारी उसका ज्ञान बाबा के पास पहले से ही रहता था। भगवान स्वरूप बाबा पहले से जान लेते थे किधर क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। एक बाबा ने कभी शरीर छोड़कर गए नहीं, लेकिन कोपरगांव वहां से 15 किलोमीटर दूर है, वहां कब कौन सी गाड़ी कितने बजे आने वाली है और टाइम टेबल रेलवे का उनका पूरा मालूम हो रहता था उनको। आज हम बाबा का सर्वांतर्यामित्व सबके दिल में वास करने वाले सबके दिलों के मनोविचार मनोव्यापार बाबा कैसे जानते थे या ये विश्व में जो भी घटित हो रहा है या घटित होने वाला है इसके साक्षीभूत बाबा कैसे थे वो आप उसकी पुष्टिकरण हेतु तीन लीलाएं हम अभी देखने जा रहे हैं। पहली लीला घटित हुई है एक हरिदासी बुआ कथेकरी बुआ जो कथाकार होते हैं उनकी उनके बारे में हुई है। ये कथाकार बुआ नाना साहब चांदोरकर के आग्रह पर उनके साथ आए थे शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए। क्योंकि उनको दूसरे दिन अहमदनगर में कुछ कथा का कुछ प्रोग्राम था उनका, तो वो जल्दबाजी कर रहे थे कि नहीं चलो जल्दी जाना चाहिए, मुझे कथा है, मेरा जाना जरूरी है। तो नाना साहब चांदोरकर बोले बाबा की आज्ञा लेना जरूरी है। बोले आप ले लो आज्ञा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो मैं बैठूंगा ऐसे ही, आप जाओ। जब बाबा ने नाना साहब बाबा की आज्ञा लेने के लिए नाना साहब चांदोरकर गए तो बोले खाना खाने के बाद जाना, अभी भोजन करो तैयार करो भोजन खाओ उसके बाद आराम से निकलना, दोपहर के बाद कोई जल्दबाजी नहीं है जाने। अब ये जैसे नाना साहब चांदोरकर ने बाबा का आदेश उनको वो कथेकरी बाबा को बोला, वो कथाकार बौखला गए बढ़ गए, आपको क्या होता है, आप उनकी आज्ञा मानो, हमें मानने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ दर्शन के लिए आए थे, हम उनके अनुयायी भी नहीं है। वो तरह तरह के ऊटपटांग बातें करने लगे और वो खुद ही निकल गए खाना वीना न खाते हुए बाबा का आदेश न मानते हुए। नाना साहब चांदोरकर ने और उनके जो बाकी के सहयोगी थे उन्होंने वो खाना का बनाने का इंतजाम किया, वो खाना खाया उधर, उसके बाद आराम से दोपहर के बाद वहाँ कोपरगांव स्टेशन पर पहुंचे। जैसे कोपरगांव स्टेशन पर पहुंचे देखते थे कथेकरी बुआ वहां चिंतित मुद्रा में उदास होकर वहां बैठे स्टेशन पर। नाना साहब ने पूछा, अरे क्या हुआ कथेकरी बुआ, आप तो जा रहे थे ना, क्या गाड़ी मिली नहीं क्या आपको या गाड़ी निकल गई आपकी? बोले नहीं बाबा, मैं तो यहां गाड़ी 3 घंटा लेट है। आपके बाबा सही में सर्वांतर्यामी है, महान अंतर्यामी शक्ति है, उनको पता था कि गाड़ी 3 घंटा लेट है, इसलिए तो आपको उन्होंने आदेश किया कि खाना खा के जाओ, मैं यहां भूखा मर गया। आपने अच्छा किया बाबा का सुना, आपके बाबा महान है, मेरी गलती हो गई है, मैं यहीं से उनकी माफी मांगता हूं। बाबा हमेशा अपने हित का ही अपने भक्तों के हित का ही ख्याल रखते हैं, उनके कल्याण का ही ख्याल रखते हैं। ये जाने माने श्रेष्ठ भक्त जानते थे कि बाबा ने ये कहा है मतलब हमें वो करना है, नहीं तो कुछ अघटित हमारे जीवन में जो घटने वाला है वो उसको हम खुद न्योता देंगे। अब ये बाबा नहीं लाते थे ये संकट ये तो भ्रम मत रहिएगा, आपके जीवन में क्या होने वाला है वो बाबा पहले से जानते थे। दादा साहब खबर रहे, इतनी बड़ी प्रैक्टिस थी उनकी, लेकिन बाबा ने उनको एक
एक नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, सब 100 दिन तक जाने नहीं दिया था वहाँ से, रहो तुम आप यहाँ रहो, क्योंकि उनके आगे आने वाली जो संभाव्य घटनाएं हैं वो बाबा को पहले से अवगत थी, ज्ञात थी। लेकिन अपनी उस वक्त की हजारों रुपए की प्रैक्टिस, महीने को 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए की प्रैक्टिस खपड़े साहब की थी, लेकिन बाबा ने कहा है तो वहाँ वह डटे रहे, उधर ही रहे, वही उनके हित में था। दूसरी घटना ऐसी हुई, नाना साहब बेरे नाम के थे, नाना साहब बेरे, नाना साहब तांदुलकर के भक्त थे। तो वो जब निकले बाबा की आज्ञा लेकर कोपरगाँव जाने के लिए, तो बोले इमिजिएटली फौरन निकल जाओ आप, और कहीं भी रुकना नहीं है, भाग दौड़ के जाना है। आप शाम का वक्त हो गया था, दोपहर के 4 बजे के बाद का, बोले आप जल्दी निकलो यहाँ से और कहीं भी रुकना नहीं है, तेजी से दौड़ से टांगा दौड़ाओ और चले जाओ कोपरगाँव। बाबा की आज्ञा अनुसार नाना साहब बेरे और उनके जो सहयोगी थे साथ में, सहप्रवासी, वो साथ में निकल गए। बस टांगा दौड़ाया उन्होंने, बाबा ने कहा है तो जाना चाहिए। जैसे दौड़ाते तो उसके साथ में पीछे भी उनके साथ एक टांगा आ रहा था, बोले क्या जल्दी गाई, अभी बहुत शाम को टाइम है रेलवे जाने के लिए, तो चलो जल्दी आराम से करो, कितनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। तो बोले नहीं, बाबा की आज्ञा है, हमको जाना है। वो गए और वो पीछे वाला टांगा धीरे धीरे आते रहा। वो वहाँ कोपरगाँव पहुँचे, पीछे से जो टांगा आ रहा था उनको चोरों ने, डकैतों ने लूट लिया, उन लोगों को मारा भी जो पीछे वाले, और ये सही सलामत नाना साहब मेरे वहाँ पहुँच गए और उनको उनका सब धन बार वगैरह सब लूट कर, वो सब उनको ऊपर से मार भी पड़ी। जब वो आए बोले बाबा ने आपको सही माना में चेतावनी दी थी कि जल्दी भागो, आप अगर आपका सुनते, आपके साथ में आते तो शायद ये आज हमको ये विकट परिस्थिति हम पर नहीं आती, हमको ये सहना नहीं पड़ता था। कौन कौन सी जगह क्या होने वाला है, अभी आप पूछेंगे कि आप बाबा जानते थे तो वो रोका क्यों नहीं उन्होंने। देखिए प्रकृति के नियम में जो घटित होना है वो होना है, जो होना है वो होकर रहेगा। आपकी शरणागति संपूर्ण बाबा के पास है, बाबा के चरणों में है, आपका दृढ़ विश्वास है और आप बाबा की, बाबा को रक्षण करता मानते हैं तो बाबा जरूर आपकी रक्षा करेंगे। वो लोग बहुत पूछते हैं, ये ऐसा ऐसा हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, बाबा ने क्यों नहीं किया, मुखबरी हो गई, बाबा क्या कर रहे थे। बाबा ने प्रकृति के हर एक जो घटित घटना होती है उसका ठेका लेके नहीं रखा है। हर एक चीज जो होती है, बाढ़ आती है, भूकंप होता है, आग लगती है, सुनामी होती है, बाबा क्या करेंगे उसके लिए, तो सृष्टि के नियम के हिसाब से जो होना है वो होना है, वो भगवान सर्वश्रेष्ठ करता है। बाबा उसको जरूर वो ज्ञात है, लेकिन सबका मुकद्दर बदलने के लिए बाबा नहीं बैठे, समझ लो आप इस बात को। हाँ आप अगर शरणागत हो तो बाबा आपका जरूर संरक्षण करते हैं, इसकी इसी के पुष्टिकरण हेतु तो मैं आपको अब एक लीला सुनाता हूं। वो लीला है, हुई है केशव अनंत कुलकर्णी, अप्पा कुलकर्णी, जो शिरडी गांव के ग्रामाधिकारी थे और बहुत, अरे बाबा पर अतिम श्रद्धा थी उसकी। हालांकि उनका जो कुछ चंद पिक्चर जो चित्रपट आए हैं उसमें बहुत अलग तरीके से उनको फिल्माया गया है, उनके नाम को एक तरीके से बदनाम किया गया अभ्यास न करते हुए। ये जो केशव अनंत कुलकर्णी सब बाबा के परम भक्त निस्सीम भक्तों में थे। अब उनके ऊपर वो हालांकि महसूल डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसके ग्रामाधिकारी थे। अब गांव के जो जो टैक्सेस बिक्सेस होते हैं, धारा बोलते हैं उसको, धारा, वो धारा या लगान जो भी है वसूल करने का काम इनका था और गवर्नमेंट में वो जमा करना है उन पर। वो हालांकि बहुत सीधा सालस सच्चरित्र सदाचारी आदमी, लेकिन उस पर लांछन आ गया, उस पर इल्ज़ाम आ गया कि आपने पैसे का गबन किया है और उसके ऊपर इंक्वायरी चालू हो गई डिपार्टमेंट की तरफ से। डर गए, और मैंने तो कुछ किया नहीं भाई, अभी कैसा मेरा नौकरी चली जाएगी, ये होगी, लेकिन मेरे बाबा है, बाबा के पास गया, बाबा आप जानते हो मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन देखो ना अभी क्या हो रहा है। बाबा बोले चिंता नहीं कर, एक काम कर,
जिनके जो तुम्हारे जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, जो निर्णय अधिकारी है, वो है प्रांत अधिकारी, तहसीलदार के ऊपर की ओहदा होता है उनका, दो तीन जिले के, वो दो तीन तालुके के या ऐसे कुछ एक जिले के रहते हैं वो प्रांताधिकारी। वो अभी बोले नेवासा में आए हुए हैं, बाबा को कैसे पता? बोले तू एक अर्जी लिख, नेवासा में जा। अभी वहां जाने के पहले देखिए बाबा ने क्या किया है। विष्णु स्वरूप जो मोहिनी राज है, जो मोहिनी रूप धारण कर कर भस्मासुर का जिन्होंने वध किया था, वो जो स्वरूप भगवान विष्णु ने लिया था, वो जो स्थान है वो मोहिनी राज मंदिर उस नेवासा में है। बाबा ने कहा अप्पा तू पहले काम कर, वहां जा और मोहिनी राज के दर्शन ले पहले। बाबा ने अपनी अपनी श्रद्धाएं कायम करने के लिए ही काम किया है, दर्शन ले उस और उसके बाद प्रांताधिकारी के पास जा, एप्लीकेशन ले। उनको डट के कहे मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी मतलब ऐसी इंक्वायरी मेरे पीछे पड़ी है, मैं निर्दोष हूँ। तो मोहिनी राज की वो गए वहाँ निवासा में, मोहिनी राज जी के दर्शन लिए, उसके बाद वो प्रांताधिकारी को जाके मिले और अपनी अर्जी पेश की। मेरी सर मैंने तो कुछ किया नहीं है, तो उन्होंने वो इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद हाँ बोले, मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि तूने कुछ भी गमन किया नहीं है, तूने कुछ भी पैसे खाए नहीं है, तो निर्दोष है, चिंता मत कर, तेरे पर लगाए हुए जितने भी आरोप है वो खारिज कर देता हूँ अपना। उधर लिख दिया रिमार्क उन्होंने, बाहर आए फूले न समाये, आनंद से नाचने लगे अप्पा। मैंने साईं भगवान तू ही मेरा रखवाला है, शिरडी की तरफ मुंह करके बाबा 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 आपने मुझे तो सही में न्याय क्या बोले न्याय दिलवाया। जैसे वो वहां से फौरन लोग शिरडी में आए, बाबा के पास गए द्वारकामाई में, आंख भरे आंसू से बाबा को पूर्णता शरण गए, बोले हे मेरे प्रभु आज मेरी लाज रखी आपने, और बड़े भाव विभोर हो गए और सबको बोलने लगे बाबा ने देखो कैसे करिश्मा किया। क्या दर्शाती है लीला, बाबा का सर्वांतर्यामित्व। आप सच्चिल हो, सदाचारी हो, चरित्र चरित्रवान हो, चारित्र्यवान हो, तो बाबा आपको और बाबा के भक्त हो, बाबा की ये सर्वशक्ति को मानते हो, बाबा रक्षण करते हैं आपका। और आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है बाबा को कैसे पता चला? वो निवासा में बैठे हुए, तू अर्जी लिख, वहां जा अपनी दलील पेश कर। क्या बात है, अपने भक्तों के लिए बाबा कुछ भी हद तक, कुछ भी उनकी जो संकट है अपने ऊपर लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए संकट अपने ऊपर लिए है, उनको टाल दिए है। बाबा के सर्वांतर्यामी होने का ये एकदम उम्दा ऐसा उदाहरण है। आगे ऐसी ही चुनिंदा लीलाओं लीलाओं का संग्रह लेकर आपके पास आएंगे, आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि बाबा का सही स्वरूप आप तक पहुंचे। जो गलत गलत तरह तरह की जो गलत फहमियां सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, वहां कहीं ना कहीं रोक लगे। हम जो कहते हैं इसके माध्यम से 100% ऑथेंटिक कहते हैं। किसको अगर ये जांच परख करना है, हमें पत्र व्यवहार करो, हमें पूछ लो, हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको प्रमाण देते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंगैकझाला रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघारंगैकझाला अवघारंग एक झाला।